वेलकम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपको अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन की निकालनी है यूजिंग अल्टरनेट मेथड ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इसको प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। इसके पहले हम आप नॉर्मल इक्वेशंस लिखने वाला एक वीडियो देख लीजिएगा, मैंने पहले एक वीडियो डाला है जिसमें नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, अननोन्स की नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है वो वहाँ पे सिखा है। इसमें भी नॉर्मल इक्वेशन वाला प्रोसेस आएगा, लेकिन पहले कुछ और है। इस मेथड का नाम है अल्टरनेट मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ थ्री एंगल्स ए बी एंड सी वर टेकन एट वन स्टेशन। एक स्टेशन पे थ्री एंगल्स के, चाहे एंगल ए बी और सी के ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं कुछ इस तरीके से। सिंगल एंगल ए का वैल्यू है 75 डिग्री 32 मिनट 46.3 सेकंड। उसी तरह से एंगल बी मेजर किया है, एंगल सी मेजर किया है, फिर एंगल ए प्लस बी मेजर किया गया है, एंगल बी प्लस सी मेजर किया गया है, और उसी स्टेशन से एंगल ए प्लस बी प्लस सी मेजर किया गया है। जो हमारा ऑब्जर्वर है उसने हर एक ऑब्जर्वेशन को एक अलग वेट दे रखा है कि वेट वन टू और थ्री कुछ इस तरीके से। और हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ईच एंगल बाय मेथड ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अल्टरनेट मेथड ऑफ डिफरेंसेस में हम क्या करते हैं कि हम प्रोबेबल करेक्शन को एज्यूम करते हैं, प्रोबेबल करेक्शन क्या होगा, और उसमें फिर आप प्रोबेबल करेक्शन की स्टेप्स ये हैं। हाँ, प्रोबेबल करेक्शन का एज्यूम करोगे आप, आपकी ऑब्जर्व इक्वेशन और कुछ आपकी और इक्वेशन आएंगी उन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करोगे, फिर आप नॉर्मल इक्वेशंस बनाओगे हमारे प्रोबेबल करेक्शंस को। जैसे कि प्रोबेबल करेक्शन हमने K1, K2, K3 एज्यूम किया, तो K1, K2, K3 की नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे और उनको सॉल्व करके K1, K2 और K3 की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली हमने जो पिछला मेथड किया था नॉर्मल इक्वेशन का, वहाँ पे सीधा अननोन की नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी। इस बार हम क्या करेंगे, करेक्शंस की नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। लेट K1, K2, K3 बी द मोस्ट प्रोबेबल करेक्शंस टू ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कि हम लोगों ने ए बी सी उनकी ए की K1, बी की K2 और सी की K3 मोस्ट प्रोबेबल करेक्शंस निकाल दिए। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर क्या क्या हो जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो आपकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, इन इक्वेशंस को अपन हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी बोल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ए बी और सी की में K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐड किया आपने 75 डिग्री 32 मिनट 46.3 सेकंड में, K1 सिमिलरली 55 डिग्री 9 मिनट 53.2 सेकंड प्लस K2, और आपको तीन इक्वेशंस मिल गई K1, K2 और K3। अब अगला ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, ए प्लस बी। तो आपको प्रोबेबल वैल्यू वाली इक्वेशंस में से ए प्लस बी को ऐड करना है। तो 1+2 इक्वेशन 1+2 क्या देगा मुझे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 130 डिग्री 42 मिनट 39.5 सेकंड। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन वाली वैल्यू नहीं लेनी है, आपने जो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 निकाला उनको ऐड करना है। फिर क्या है, बी प्लस सी। तो इक्वेशन 1, 2, 3 में से बी प्लस सी कैसे मिलेगा, इक्वेशन 2+3 को ऐड किया हमने, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 53.2 सेकंड और 28.8 सेकंड को हमने ऐड किया है प्लस K2 प्लस K3। फिर अगला ऑब्जर्वेशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर दिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा मिल गया K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 6 इक्वेशन मिली। पहले 6 इक्वेशन थी हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ, अगर मैं इसको ऐसे नाम दे देता हूँ कि ये इक्वेशन बी, ये इक्वेशन सी, ये इक्वेशन डी, ये इक्वेशन ई और ये इक्वेशन एफ, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ इक्वेशंस थी, और अब हमने इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकाल दिए हैं। तो अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस। तो आपको जो ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस थी, मतलब कि ए बी सी डी ई एफ में
1, 2, 3, 4, 5, 6 को सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि ए में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो ए से जब 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ए माइनस ए 0, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में हमको माइनस का k1 = 0, तो मैं उसको k1 = 0 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से जब मैं बी में से बी से 2 को माइनस करता हूँ तो k2 = 0, k3 = 0। अब मेन चीज यहाँ पे है, अपने इक्वेशन डी में से 4 को माइनस करना है। इक्वेशन डी में राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे, 0, ए प्लस बी में से ए प्लस बी माइनस हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, 130, 42, 41.6 में से 130, 42, 39.5 को माइनस किया हमने, तो प्लस का 2.1 सेकंड मिला। तो हमको कुछ ऐसा मिला, लेफ्ट हैंड साइड में 0, फिर प्लस का कितना 2.1 सेकंड, और फिर क्या मिला आपको, माइनस के वन माइनस के टू। आपको बस यहाँ ध्यान रखना है साइन का, कि आपने डी में से 4 को माइनस किया है, 4 में से डी को माइनस नहीं किया है। तो अब ये माइनस के वन माइनस के टू जब इस तरफ आ जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं k1 + k2 = प्लस का 2.1 सेकंड। उसी तरीके से आपको ई में से इक्वेशन 5 को और एफ में से इक्वेशन 6 को सब्सट्रैक्ट करना है, और आपके पास में कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं, k1 k2 k3 इन सब की। अब वेट, वेटेज का क्या रूल है, कि अगर आप कोई भी इक्वेशन में कोई और इक्वेशन ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हो तो वेट में चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो वेट में चेंज नहीं आता है। तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट ही सब्सट्रैक्ट किया था, ऐड किया था k1 + k2 k3, तो यहाँ पे भी वेट वही बना हुआ है, तो वेट आपका वही बना हुआ होगा, वेट इज इक्वल टू 3, 2, 2, 1, 1 जो हमारे क्वेश्चन में था। तो अब हमारे पास में नॉर्मल इक्वेशन आ चुकी हैं, k1 रिड्यूस इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है। आपके पास में ऑब्जर्व इक्वेशन थी, उससे आपने k1 k2 k3 की फॉर्म में रिड्यूस इक्वेशन ले ली। अब आपको k1 k2 k3 कैसे मिलेगा, अब आपको क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर k1 k2 k3। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर k1 क्या था मेरा, यहाँ पे k1 मेरा 3 था, k1 और इक्वेशन का वेट है 3 और k1 का कोफिशिएंट है 1, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3k1 = 0। अगले में k1 नहीं है तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, अब इसमें भी k1 नहीं है, इधर से भी कुछ नहीं आएगा, फिर वापस से k1 का कोफिशिएंट 1 है और वेटेज है 2, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। इधर लास्ट में फिर से k1 नहीं है और अंत में फिर से k1 का कोफिशिएंट 1 है और वेटेज 1 है, तो पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड किया, तो मुझे k1 k2 और k3 का कोफिशिएंट नॉर्मल इक्वेशन ऑफ k1 मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल इक्वेशन कैसे लेना है, जो भी हमारा सेट है उसमें हर इक्वेशन को उस जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाना है उसके कांस्टेंट, उसके कोफिशिएंट और वेटेज के मल्टीपल को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है और उन सभी को सेट में जितने भी इक्वेशंस हैं उन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने वही किया, k2 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट से कुछ नहीं आएगा, सेकंड से k2 का कोफिशिएंट 1 और 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2k2 = 0। उसी तरीके से k3 के लिए भी हमने किया, k2 के लिए हमने थर्ड इक्वेशन में कुछ था नहीं, फिर हमारा 1 और 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई k2 के लिए। उसी तरीके फिर हमारा k2 + k3, कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 और 1, तो पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में भी कोफिशिएंट 1 k2 का और वेटेज 1, तो पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड अप कर दिया, तो हमें एक और इक्वेशन मिल गई k2 की। फिर उसी तरीके से आपने k3 की नॉर्मल इक्वेशन निकाल दी। बेसिकली अब आपको क्या करना है, नॉर्मल सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 और 3 सिमल्टेनियसली, जो आपको 1, 2 और 3 या फिर जिसको कि हमारे यहाँ पर क्या है 7, 8 और 9 को जब आप सिमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल इक्वेशन
सॉल्व करने से K1, K2 और K3 की वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पर K1 की वैल्यू +0.58 सेकंड आ रही है, K2 की +0.75 सेकंड आ रही है, K3 की -0.02 सेकंड आ रही है। और हमने इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में क्या एजम्पशंस के बाद में हमारी इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या दे रही थी, ए बी सी को K1, K2, K3 के फॉर्म में दे रही थी। तो आपने K1, K2, K3 को ऐड कर दिया तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी मिल गया हमें। तो इस तरीके से हमें फाइनली ए बी और सी मिल गया। तो ये था मेथड ऑफ डिफरेंसेस। आपको एक मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज को एज्यूम करना है, वहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस की हेल्प से इक्वेशंस निकालनी है, फिर जो हमारी इक्वेशंस हमने ऑब्टेन किए हैं उनको ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस में माइनस करना है और K1, K2 तो K3 की फॉर्म में सारी इक्वेशन लेके आनी है। अब इन इक्वेशंस को नॉर्मल इक्वेशन, जितने भी हमारे वेरिएबल हैं उनकी नॉर्मल इक्वेशन बनानी है, हमारी जो भी रिड्यूस ऑब्जर्वेशन इक्वेशन आए उनकी हेल्प से, और K1, K2, K3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनका वैल्यू निकालना है, और उनकी हेल्प से आपको लास्ट में जो भी हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।